नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बिहार एसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल मेंस एग्जाम प्रैक्टिस वर्क बुक है। इस बुक में आपको इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर पेपर भी दोस्तों देखने को मिल जाएंगे और कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है, जिसमें पेपर वन आपको हिंदी लैंग्वेज के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर टू में जनरल स्टडी, जनरल साइंस और मैथ्स और मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग सभी से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब पेपर टू 150 नंबर का, 150 मार्क्स का एग्जाम होगा और 26 सेट आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। किरण प्रकाशन का ये बुक है दोस्तों। इस बुक का जो MRP है दोस्तों 275 रुपये, जिसपे ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा और बुक में आपको 294 पेज आपको देखने को मिलने वाले हैं। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बुक में कोई कमी नहीं है। सबसे पहले किरण प्रकाशन का ये बुक है दोस्तों, बिहार एसएससी थर्ड लेवल ग्रेजुएट एग्जाम मेंस एग्जाम का ये प्रैक्टिस वर्कबुक है, जिसमें आपको 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे, 10 सेट हिंदी के, 10 सेट जनरल नॉलेज के आपको देखने को मिलेंगे और 6 आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेगा, पेपर वन और पेपर टू आपको देखने को मिलेगा 2013 से 2020 तक के। किरण प्रकाशन का ये बुक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस बुक का MRP दोस्तों देखिएगा 275 रुपये है और ये बुक आपको सेम बुक हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। इस बुक का मैंने रिव्यू कर दिया है, ठीक है। तो 275 रुपये MRP है दोस्तों। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इनको विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट आप दोस्तों देख लीजिएगा, जनरल हिंदी हो गया, हिंदी हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, उसके बाद यहाँ पे सेट वन हो गया, सेट टू हो गया। यहाँ से इस तरह से आपको 10 सेट है, मतलब इसके पेपर वन में हिंदी को, पेपर टू में जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, मैथ साइंस है और जनरल एबिलिटी मतलब रीजनिंग। तो इस तरह से कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्विंग पेपर आपको देखने को मिलेंगे सेम। ये ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पे आपको 2 सेट आपको देखने को मिलेगा, 2013-2016, क्योंकि 2016 के बाद आपका CGL मेंस का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है और बिहार SSC इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम 25/12/2020 है। ये इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ उसका भी सेट इस बुक में शामिल किया गया है, जिसमें हिंदी और जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर पेपर को शामिल किया गया है, ठीक है। सेम एग्जाम पैटर्न है, इंटर लेवल हो या ग्रेजुएट लेवल हो। उसके बाद दोस्तों आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा पेपर वन का, और पेपर वन के जो हिंदी ग्रामर है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बुक में कोई कमी नहीं है, हर एक टाइप के क्वेश्चन को शामिल किया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से शामिल किया गया है। बुक को आप दोस्तों ले सकते हैं, ठीक है, बुक में कोई कमी नहीं है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके आधार पे इस कंप्लीट सेट को यहाँ बनाया गया है। टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आंसर की देखने को मिलेगा, उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। हिंदी वाले बुक में हिंदी में सॉल्यूशन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज टेस्ट है और हर एक टाइप के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। उसके बाद जनरल नॉलेज आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम का बुक है और क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिलेबस को फॉलो किया गया है, सिलेबस के अनुसार इस बुक को बनाया गया है, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन यहां दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सिकंदर भारत कब आया था, एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है जो कि बार बार पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ दोस्तों साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मैथ्स के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इस बुक को बनाने के बाद आपको और किसी बुक को सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा बुक है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ दोस्तों देखिएगा, आंसर की आपको देखने को मिलेगा, आंसर की काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा, एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन, मतलब सारा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट में ये दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है, तो इसी तरह से आपको सारा मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, हिंदी, जनरल नॉलेज। चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं, विषय सूची में जाके, इंडेक्स में जाके दोस्तों देख लेते हैं पेज नंबर है, तो 229 पेज नंबर हमें चलना है, ठीक है। 229 पेज नंबर जल्दी से निकालते हैं हम यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर बिहार SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL एग्जाम मेंस एग्जाम है पेपर वन, और यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज को बहुत ही शानदार तरीके से इस बुक में कवर किया गया है, अच्छे तरीके से कवर किया गया है, ठीक है ना। तो हिंदी लैंग्वेज की ये प्रीवियस ईयर पेपर है, 27/1/2013 का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से कवर किया गया और इनसे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों आपको, ठीक है। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करना है। तो एक ही बुक में आपको प्रैक्टिस वर्कबुक भी देखने को मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की डिटेल सॉल्यूशन उसी पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बताया गया है, आप काफ़ी अच्छे तरीके से ईजी तरीके से समझ सकते हैं। पेपर टू में आपको जनरल नॉलेज देखने को मिल जाएगा, जनरल नॉलेज भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना स्टडी किया और कैसे स्टडी किया है और एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं, इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो एक ही बुक से आपका सारा कुछ काम हो जाएगा, हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहाँ मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब जो 150 क्वेश्चन होते हैं एक सिक्वेंस में नहीं होता है, सेक्शन वाइज नहीं होता है। मैथ्स के क्वेश्चन कहीं भी हो सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन कहीं भी हो सकते हैं और जीके और साइंस के क्वेश्चन कहीं भी हो सकते हैं। टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, इस तरह का आंसर की आपको देखने को मिलेगा। सॉल्यूशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है इस बुक के, सॉल्यूशन को आप सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी सॉल्यूशन है इस बुक में दोस्तों, आप आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह से आपको 3 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक देखने को मिलेंगे, अभी तक सीजीएल का जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के पेपर आपको देखने को मिलने वाले हैं। इंटर लेवल का भी क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इस बुक को आप ऑनलाइन ऑफलाइन मंगा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टोटल 26 सेट, जिसमें 20 आपको प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे, 6 प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों खान सर के कुछ बुक आते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये सभी एनसीईआरटी पे आधारित होते हैं। फिर क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, सीजीएल का, सीएसएसएल का, रेलवे का, ग्रुप डी फिजिक्स, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, सभी बुक दोस्तों हिंदी और इंग्लिश से, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से इस बुक को खरीद सकते हैं। जनरल नॉलेज आपको दोस्तों देखने को मिलेगा इंग्लिश और हिंदी में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मैप ये भी अच्छा बुक है, जनरल नॉलेज का भी बुक अच्छा होता है, जनरल साइंस का भी ये बुक काफ़ी अच्छे हैं। इनके सब्जेक्ट वाइज भी बुक आते हैं, ये सब भी बुक आप दोस्तों देख सकते हैं। अगर इस बुक के बारे में अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।